जापान भारत रो यूपीआई सिस्टम को अनुकरण करिबो एने जापान रो डिजिटल मंत्री कोनाटारो उच्चस्तरीय बैठक एने डाकी छंती। एथरे जापान रे भारतीय क्यूआर कोड स्कैनिंग सह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने आलोचना हेबो। निकट रे भारत गस्तरे आसीथिले टारो नुआदिल्ली रो खान मार्केट रे बुलुथुबा बेले यूपीआई पेमेंट देखी खुशी हो जाइथिले। दोकानी माने क्यूआर कोड स्कैनिंग करी कारबार करथुबा देखी प्रेरणा पाइथिले से। यहाँ परे एभले सिस्टम जापान रे करबा को मन बळाइथिले। ए पर्यंत 40 रु 50 देश भारत रो यूपीआई सिस्टम को अनुकरण करी सारी छंती। गंगा नदी में पदक विसर्जन निष्पत्ति स्थगित रखिले कुश्ती योद्धा अभियुक्त ब्रिज भूषण विरोध में कार्यानुष्ठान से सरकार को पांच दिन समय देखते चरम निष्पत्ति ने जौन शोषण मामलें आखि बुझी सरकार जिते गुहारी कले कहीं शुणुना एपरिकी से अपराधी भली व्यवहार करपरी अभियोग कर कुश्ती योद्धा मैंने जीति मेडाल सब गंगा नदी में फिंगी देवा निष्पत्ति इंडिया गेट पाखरे आमरण अनशन करने निष्पत्ति से दिल्ली जाई हरिद्वार हरकीपोड़ी घाट में पहुंची थे। बजरंग पुनिया दिनेश फोगट संगीता फोगट और साखी मल्लिकों समेत अनेक कुश्ती योद्धा गंगा घाट में पहुंची थे। मात्र कृषक नेता और खाप पंचायत नेता मैंने पहुंची से बुझासुझा करने कुश्ती योद्धा मैंने निष्पत्ति स्थगित रखिथिले। रेसलर महासंघ सभापति तथा सांसद ब्रिजभूषण नारे जौन शोषण भली संगीन अभियोग आनी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश रे ब्रिजभूषण नारे एफआईआर रुजु करी पुलिस मात्र गिरफ करा जाई नाही। यार प्रतिवाद रे अप्रैल 23 तारीख रु आंदोलन को ओल्हाइथिले कुश्ती योद्धा मैंने। गत 28 तारीख रे कुश्ती योद्धा मैंने संसद भवन आड़ को जाउथुबा बेले पुलिस सेमानंकु उठाई रहिथिला। सेमानंक विरोध रे दंगा उस्काइबा भली संगीन दफा लगाइथिला। यार प्रतिवाद रे सेमाने गंगा नदी रे सेमानंक मेडल विसर्जन करबा को निष्पत्ति नेथिले। अन्यपटे रेसलर संघर सभापति तथा सांसद ब्रिजभूषण खेलाड़ी सब अभियोग को खंडन करिछंती जे से निर्दोष तदंत चली न्याय व्यवस्था उपरे तांकर पूरा विश्वास रही तेणु से समय जाए अपेक्षा करंतु। काफी विवाद में पड़े अब पहलवान भी यहाँ से चले गए उनका रैन बसेरा उजड़ गया है। अब आगे क्या जाता है मतलब क्या रास्ता देख रहा है? मैं तो केवल एक ही रास्ता देख रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की जांच जो चल रही है उसी से कोई रास्ता निकलेगा और मुझे दिल्ली पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। दिल्ली पुलिस ने हमको दो दिन बुलाया और 6-6 घंटे बैठ करके पूछताछ की और आगे भी बुलाएगी तो जाएंगे। जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए और बाकी जो बाहर टीम जानी है वो तो जो एडहॉक कमेटी बनी है वो कर रही है। पहले आप पे आरोप लगा कि आप मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए, फिर पॉश के चार्जेस लगाए, फिर आप दुर्व्यवहार के चार्जेस लगे, तो चार्जेस लगातार बदलते जा रहे हैं। जब शुरू में ये रेसलर आए थे तो इनकी डिमांड थी कि अध्यक्ष पद से मुझे हटना चाहिए। शाम को इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया यौन उत्पीड़न का और साथ ही साथ जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपके साथ हुआ तो इन्होंने इनकार कर दिया। पहले बताया कि 9-10 लोगों के साथ हुआ है लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है। फिर इनकी संख्या 100 हो गई और 100 से 1000 तक चली गई। और जब खेल मंत्रालय ने जो समिति बनाई थी और एक ओलंपिक के नेतृत्व में उस समिति में 17 लड़कियां पेश की गई थी, 17 लड़कियों को बुलाया गया था, उसमें कोई नाबालिग लड़की नहीं थी। और उसी समय मैंने एक कैसेट दिया था जो बजरंग पूनिया किसी लड़की से बात कर रहे थे कि कोई लड़की का इंतजाम कर दो, तो कैसेट मैंने दोनों जगह दे दिया था, आईओ में भी, आईओ की कमेटी में भी और खेल मंत्रालय के समिति के कमेटी में भी मैंने वो दे दिया था। अब देखिए, लेकिन ये दोबारा जब धरने पर बैठे तो उसमें कोई
पास्को की लड़की नहीं थी, नाबालिग लड़की नहीं थी, लेकिन दोबारा जब धरने पर बैठे तो ये एक लड़की नाबालिग इंतजाम करके ले आए। और मुझे ये बात मालूम थी, मैंने पहले दोनों कमेटियों को बता दिया था कि ये प्रमाण है कि ये लड़की मेरे खिलाफ ढूंढी जा रही है, और वो ले ही आए और फिर दोबारा धरने पर बैठ गए। मैं तो खेल मंत्रालय की जो जांच समिति बनी उसका भी कोई विरोध नहीं किया, आईओ ने जब मुझे बुलाया तब मैं गया उसका विरोध नहीं किया, दिल्ली पुलिस दो दो दिन छः छः सात सात घंटे दो दिन कम से कम अब तक मुझसे पूछताछ कर चुकी है, मैंने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा, ये खुद अपने अपने मालिक नहीं है, इनका कोई मालिक दूसरा है, खुद कंफ्यूज है ये चाहते क्या है। मेरे इस चुनरी पर एक भी दाग कोई नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? कि मैं दूसरे को नहीं जानता हूं, अपने आप को जानता हूं, अपने चरित्र को जानता हूं, अपने कार्य व्यवहार को जानता हूं। समय हुई छोटिया ब्रेक रहा, ब्रेक पर देखा। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। कानाडार नोवास्कोचिया प्रदेश जंगल में भयावह अग्निकाण्ड हुहु हो जलुची, व्यापुवा निर आहे 200 अधिक घर पोड़ पाउंश, 16,000 अधिक लोक स्थानातर, निया लिभारे लगी अग्निशम कर्मचारी। मणिपुर हिंसा को नहीं केन्द्र गृहमंत्री दृढ़ चेतावनी, शांति भंग लगी केही भी चेष्टा कले कठोर कार्यानुष्ठान नेवाकु निर्देश देइछन्ति गृहमंत्री अमित शाह। मणिपुर गस्त अवसर में अमित शाह कहते शांति एवं प्रगति सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता, अवसर में से हिंसा प्रबण मणिपुर में सुरक्षा स्थिति समीक्षा कर चारिदिनिया मणिपुर गस्तरे थिबा शाह सर्वाधिक हिंसाग्रस्त अंचल चुराचांदपुर जिला बुली, एठारे आदिवासी महिला माने जातीय पताका धरी शाह को स्वागत करते मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी सह बैठक करने एक सर्वदलीय बैठक ताछड़ा सेना सीएएसएफ गुइंदा एवं अन्य सुरक्षा अधिकारी आलोचना करापर से कहते जे शांति फेरिबा प्रक्रिया त्वरान्वित करने को अनेक पदक्षेप ग्रहण करपटे उभय केन्द्र और राज्य सरकार राज्य में हिंसा में प्राण हर लोकों पर सदस्यों पर 10 लाख टंका लेखाएं क्षतिपूरण घोषणा कर मृतकों पर जनक सरकारी चाकरी मिल घोषणा कर मणिपुर में जातीयण हिंसा जो इम्फाल कर्फ्यू जारी रही आज पर्यंत इंटरनेट सेवा बंद रही वर्तमान सीआरपीएफ आईजी वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर राजीव सिंह को मणिपुर को पठा जाई मणिपुर पुलिस मुख्य नियुक्त करा जाई पारे बोली जना पड़ी। सीडीएस अनिल कहते मणिपुर स्थिति सह उग्रवाद कौन संप्रति नहीं, यह मुख्यतः दुईट संप्रदाय मध्य संघर्ष, यह एक आईन श्रृंखला स्थिति एवं आमे माने राज्य सरकार को सहयोग करुछु। मे 3 तारीख रु राज्य जारी रही बेले मृत्यु संख्या 80 रे पहुंची। तबे मणिपुर हिंसा रे व्यथित किसी विशिष्ट क्रीडाविद देइछंती बड़ धमक, ए हिंसा को रोका न गले खूब शीघ्र एमाने निजक मिलिथिबा पदक फेराइबा लागि धमक देइछंती। वरिष्ठ भारोत्तोलन मीराबाई चानू को समेत 11 जन खेलाड़ी एथि लागि सरकार को देइछंती चेतावनी, एमारंक मध्यरे अछंती भारोत्तोलक कुंजराणी देवी,
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିମ୍ ବିମ୍ ଦେବୀ, ବକ୍ସଲ ଏଲ୍ ସରିତା ଦେବୀ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହିଂସାକୁ ରୋକା ନଗଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପଦକ ଫେରାଇଦେବେ। ତୁରନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୁଇକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମୈତେଇ ଏବଂ କୁକି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ମୈତେଇ ଜାତିର ଲୋକେ ନିଜକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି କୁକି ଜନଜାତିର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଣିପୁର ହିଂସାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତି କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହା ସହିତ ମଣିପୁରରେ ହିଂସାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଚାରିଦିନିଆ ମଣିପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ୍ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏସ୍ଟି ମାନ୍ୟତାକୁ ନେଇ ମଣିପୁରର ମୈତି ଏବଂ କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଲାଗି ରହିଛି। ମୈତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏସ୍ଟି ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହିଂସା, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ହିଂସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 75ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10,00,000 ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଗତକାଲିର ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ବହନ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମଣିପୁରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସାର ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଆଥଲେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାର ନୋଭା ସ୍କୋଟିଆ ପ୍ରଦେଶର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ହୁହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ବ୍ୟାପୁଥିବା ନିଆଁର ଆଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 16,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 16,400 ଲୋକ ନୋଭା ସ୍କୋଟିଆର ବୃହତ୍ତମ ସହର ହାଲିଫ୍ୟାକ୍ସ ନିକଟରେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଲିଫ୍ୟାକ୍ସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 25,000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏପରିକି ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କୋରିଆ ଜୁନ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତଚର ଉପଗ୍ରହ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସିର ସାମରିକ ମାମଲାର ପ୍ରଭାରୀ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟୋଜିତ ଲଞ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଧାରରେ ଆମେରିକା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଜାପାନକୁ ମେ 31 ରୁ ଜୁନ୍ 11 ମଧ୍ୟରେ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ କୋରିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମରିକ ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରି ପ୍ୟୁଙ୍ଗ ଚୋଲ ଏକ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ